भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 16 सोमवार के 16 नियमों का। इस व्रत को लड़का हो या लड़की हो, मन चाहे जीवन साथी के लिए कोई भी इसको कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार सावन माह के सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से 16 सोमवार के 16 व्रत भौतिक मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले रामबाण उपाय हैं। अगर कोई कुंवारा लड़का या कुंवारी लड़की श्रद्धा पूर्वक इन 16 सोमवार के व्रतों को करते हैं तो उन्हें उनकी इच्छा के अनुरूप मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है। वैसे तो इस व्रत को हर उम्र और हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। व्रत करना तो सरल है, पर मनोकामना पूर्ति के लिए की जा रहे व्रतों में कुछ विशेष नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है, नहीं तो इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो 16 सोमवार के व्रत के 16 नियम हम जान लेते हैं। पहला नियम है, विवाहित स्त्री पुरुष के लिए 16 सोमवार के व्रत को करने से पहले ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। दूसरा नियम है, सूर्योदय से पहले उठ करके जल में चुटकी भर काले तिल डालकर स्नान करने के बाद सूर्य को हल्दी मिश्रित जल अवश्य चढ़ाएं। तीसरा नियम है, भगवान शिव की उपासना करें, सबसे पहले तांबे के पात्र में शिवलिंग को रखें। इसके बाद चौथा नियम है, आपको गंगा जल या शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर शिव जी का अभिषेक करना है, लेकिन विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए गाय के दूध, दही, घी, शहद, चने की दाल, सरसों का तेल, काले तिल आदि कई सामग्रियों से अभिषेक किया जाता है। नियम नंबर 5, अभिषेक करने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन, चावल, पंचामृत, सुपाड़ी, ऋतुफल और गंगा जल से शिव पार्वती का विधिवत पूजन करना चाहिए। नियम नंबर 6, अभिषेक के दौरान पूजन विधि के साथ साथ मंत्रों का मानसिक जप या उच्चारण भी बेहद आवश्यक माना गया है। महामृत्युंजय मंत्र, शिव पंचाक्षरी मंत्र या अन्य शिव जी के मंत्र, स्त्रोत्र आदि करते रहें। नियम नंबर 7, भगवान शिव एवं माता पार्वती का पूजन करने के बाद सोमवार व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। नियम नंबर 8, आरती करने के बाद भोग लगाएं और घर परिवार में बांटने के बाद स्वयं ग्रहण करें। नियम नंबर 9, उपवास वाले दिन संभव हो तो बिना नमक शक्कर का अस्वाद भोजन प्रसाद ग्रहण करें। नियम नंबर 10, व्रत के दौरान दिन में बिल्कुल भी शयन ना करें। नियम नंबर 11, 16 सोमवार तक प्रति सोमवार पूजन का एक ही समय निर्धारित करें, यानी अगर आप सुबह 6 बजे या 5 बजे पूजा करते हैं तो हर सोमवार को आपको सुबह 6 बजे ही पूजा करनी है। नियम नंबर 12, 16 सोमवार तक एक ही समय एक ही प्रसाद का भोजन ग्रहण करें। नियम नंबर 13, प्रसाद में गंगा जल, तुलसी, लौंग, चूरमा, खीर और लड्डू आदि में से कोई एक अपनी क्षमता अनुसार किसी एक सामग्री का चयन कर उसे ही ग्रहण करें। नियम नंबर 14, 16 सोमवार तक जो खाद्य सामग्री ग्रहण करें उसे एक ही निर्धारित स्थान पर बैठकर ग्रहण करें, चलते फिरते उसको ग्रहण नहीं करें। नियम नंबर 15, 16 सोमवार तक प्रति सोमवार किसी विवाहित जोड़े को कुछ ना कुछ उपहार अवश्य दें। ध्यान रहे, 16 सोमवार तक एक जोड़े को उपहार दें, फल, वस्त्र या मिठाई आदि आप दे सकते हैं उपहार में। नियम नंबर 16, 16 सोमवार तक प्रसाद और पूजन के जो नियम और समय निर्धारित करें उसे खंडित ना होने दें और मन, चिंतन, वाणी, कर्म से पवित्र रहें। इस प्रकार 16 सोमवार के व्रत को करने से और जो नियम बताए हैं उनको पालन करने से आपकी मनचाही इच्छा जरूर पूरी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।